आप बता पाएं तो इस दर्द के पीछे कारण क्या है। हालात और इश्क ने दोनों ने मिलकर मुझे मजबूर किया है। अरे कौन जानता था जमाने भर में मुझे मेरे महबूब ने ही तो मुझे मशहूर किया है। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगूं, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। हो छल्ला मेंढा जी डोला, हो दो पत्र अनारां दे, हो सड़ गई है जिंदड़ी मेरी, टेर लग गए अंगारां दे। आप ही खाके कसमा हुण तू भुल गया है, वे तू जिस मां दा बपारी जा हुसना ते डुल गया है। ओ छल्ला मेंढा जी डोला, ओ चिट्टी लकड़ सफा कीती, ओ कब्र ते लिख मरसा नहीं ओ डोल वफा कीती। कोशिश हमारी रहती है कि जम्मू कश्मीर के उन युवाओं को प्लेटफार्म दिया जाए जिनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है, ताकि लोगों को भी पता चल सके कि उनके अंदर कितना टैलेंट है। इस वक्त एक शख्स मेरे साथ मौजूद है, नाम भी इन्हीं से जानेंगे। ये युवा सिंगर हैं और हाल ही में इन्होंने अपना एक गाना जो है वो रिलीज़ किया है। सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम है जी लियाकत मन्हास, मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ और तहसील मेंढर का रहने वाला हूँ जी। लियाकत, सबसे पहले जो ये गाना आपने रिलीज़ किया है, इसके दो लाइनें अगर आप हमें गुनगुना के सुना दें। इश्क मेरा सच्चा तू जिस मादा पुखा, जान जान कहंदा सी हुण बोलदा ऐ रुखा, दिल चू मैनू कढ गया, रोंदी नू कल्या छड गया, मैनू लगदा हुण मैं मौत दे काबल हो गई वे, तेरे नालू वख हो के यारा मैं पागल हो गई वे, तेरे नालू वख हो के यारा मैं पागल हो गई वे। लियाकत, कब आपको लगा कि आप एक सिंगर बन सकते हैं और कब आपने गाना शुरू किया? जी गाना तो मैं बचपन से ही गाता आ रहा हूँ, तो बाकी ऑफिशियली जो मैंने गाने अपने रिलीज़ किए हैं वो 2021 में ही हुआ है मेरा पहला गाना रिलीज़ जुलाई में, और उसके बाद मैंने बहुत सारे लोगों के साथ भी काम किया, कोलैब जैसे म्यूज़िक का काम किया, प्रोडक्शन का। और अभी तक कितने गाने रिलीज़ कर चुके हैं आप अपने गाए हुए? मैं अपने गाए हुए मैंने 3 गाने रिलीज़ किए हैं, और उसमें कुछ अगर ओरिजिनल सॉन्ग जो है वो 3 हैं, बाकी कुछ कवर सॉन्ग्स हैं। और ओरिजिनल सॉन्ग्स की बात करें तो कौन सी भाषा में ये गाने आपने रिलीज़ किए हैं? मेरे अभी तक ये सारे गाने जो रिलीज़ किए हैं वो पंजाबी हैं, और इंशाल्लाह आगे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हिंदी और डोगरी और पहाड़ी, मतलब हर लैंग्वेज में, मान लो आप इंग्लिश में भी हम कोलैब करने वाले हैं किसी इंटरनेशनल एक आर्टिस्ट के साथ, और हम चाह रहे हैं कि हम हर लैंग्वेज में गाना करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लियाकत, पुंछ के आप रहने वाले हैं, बॉर्डर का इलाका है, आपसे जानूंगा कि क्या संगीत आपने कहीं से सीखा है या खुद ही यूट्यूब की बात करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपने सीखा, ये जानना ज़रूरी है। अगर आपको मैं बताऊँ तो मैंने सीखा कहीं से नहीं है, अभी मैं खुद का ही उस्ताद खुद हूँ, और मतलब शागिर्द भी खुद हूँ, खुद ही कर रहा हूँ मैं सब कुछ। पर कोशिश यही है कि हम अच्छा कंटेंट आपके सामने लाएं, पब्लिक के सामने लाएं, ताकि वो हमें प्यार करें। हमें सीखने के लिए एक माध्यम चाहिए होता है, वो माध्यम हमारे जम्मू कश्मीर के पास है नहीं है, और ये चलो आने वाले। लियाकत, एक गाना आपने रिलीज़ किया वो हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने सुना, लेकिन कोई एक और गाना, ये वो गाना जो आपके दिल के बेहद ज़्यादा करीब है, वो गाना अगर आप गुनगुना दें दो लाइंस। वैसे जो लिखारी होता है उसका हर गाना जो है वो दिल के करीब होता है, पर ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि तू ही मेरी जिंद तू ही जानी अड़ी है, तेरे उत्ते सावी कुर्बानी अड़ी है, लखा ने सुफने तेरे लिए वेखे में तोड़ी ना तू मेरे अरमानी अड़ी है, अली तेरे नाल ला बैठा आसा सारियाँ, वेखी हद विच ना तू तोड़ देवी आरियाँ, इक्की अद्धा वादा मेरे नाल कर ले, मैं नहीं कहंदा कसमा तू खा पारियाँ, जिथे तू कहेंगा असी तेरे नाल नंगे पैरी खड़ जांगे, छड़ी ना सजना बिना तेरे मारे जांगे, छड़ी ना सजना बिना तेरे मारे जांगे। लियाकत, फैमिली की बात करें,
फैमिली का किस तरह का सपोर्ट आपको रहा, क्योंकि फैमिली के सपोर्ट के बिना तो इंसान कुछ भी कर नहीं सकता। सब लोग चाहते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, गवर्नमेंट जो नौकरी है वो करे, लेकिन आपने इस सिंगिंग प्रोफेशन को चुना। घर वालों की किस तरह की सपोर्ट मिली? मुझे लगता है कि हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनका बच्चा सफल हो, ना कि ये चाहते हैं कि वो डॉक्टर या इंजीनियर बने। मेन चीज़ ये होती है कि माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा कहीं पर मतलब खस्ता हालत में ना हो, कहीं पर खज्जल ना हो, या कुछ भी ऐसा कुछ पंजाबी वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ उसके लिए सॉरी। और हमें मेरे माँ बाप की मुझे एक बहुत बड़ी सपोर्ट रही है, उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका। मैं बहुत सारी जगह पर परफॉर्म करके आऊँ और मेरे पापा और मेरी मम्मा ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, बोला कि आप इसके साथ साथ क्या पढ़ाई भी जारी है आपकी, या पढ़ाई ख़त्म कर चुके हैं? वही आपने बोला था डॉक्टर, और मैं अभी मेरी डिग्री ख़त्म होने वाली है, मैं बी फार्मा कर रहा हूँ। और वो फिर बीच में आ ही गया कि डॉक्टर या इंजीनियर, वो था कि चलो माँ बाप को ये ना लगे कि ये कर रहे हैं। घर में कौन कौन है लियाकत? माँ बाप हैं, मेरी बहन है उसकी शादी हुई, और एक मेरा छोटा भाई है। फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं? हाँ हाँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉई भाई हैं। हाँ। लियाकत, एक और गाना, क्योंकि पंजाबी गाने तो हम सुन रहे हैं, लेकिन बहुत से हमारे दर्शक ऐसे होंगे जो हिंदी लैंग्वेज जानते होंगे, उन्हें पंजाबी समझ नहीं आ रही होगी, उनके लिए कोई गाना जो आपको पसंद हो। ये एक गाना है, हमारे राहत साहब ने गाया है, मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगूं, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये बरम था मेरे पास तुम हो। मगर मैंने सीखा मुहब्बत भी हो तो दगा कीजिएगा, मुकर जाइएगा। लियाकत, आप जो गाने गा रहे हैं, इन गानों में हमें दर्द नज़र आ रहा है। अब मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि क्या इसका, आपकी जो रियल लाइफ है उससे इस दर्द का कोई कनेक्शन है, या सिर्फ ये गाने हम समझें? आप ये किसी भी कलाकार से पूछेंगे, वो जाहिर सी बात है यही बोलेगा उसकी ज़िंदगी से कोई ना कोई कनेक्शन है। इस चीज़ का कनेक्शन हर इंसान का होता है, कहीं ना कहीं लिंक रखना ज़रूरी है, लिंक के बिना आगे इंसान बढ़ नहीं पाता। पर अगर आप बता पाएँ, अगर ये राज है तो फिर इसे राज रहने दिया जाए, अगर आप बता पाएँ तो इस दर्द के पीछे कारण क्या है, अगर आप बताना चाहें तो? नहीं, कारण तो कुछ भी नहीं है, मगर ये एक चीज़ है, एक अर्ज़ है कि जो मतलब कहते हैं कि मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा इस पर, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, हालात और इश्क ने दोनों ने मिलकर मुझे मजबूर किया है। हालात और इश्क ने दोनों ने मिलकर मुझे मजबूर किया है, अरे कौन जानता था ज़माने भर में मुझे, मेरे महबूब ने ही तो मुझे मशहूर किया है। क्या बात है, मैं समझ गया और सब लोग समझ भी गए होंगे, इतना काफ़ी है। अब कहीं ऐसे युवा सिंगर हैं, क्योंकि आप पुंछ इलाके की बात करें, पीर पंचाल एरिया से आप आते हैं, मेंढर बिल्कुल बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, वहाँ पर कोई सिखाने वाला आपको नहीं है, टैलेंट बहुत है, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आपने 3 गाने जो हैं वो रिलीज़ किए हैं, बहुत से सिंगर होंगे आपकी तरह लियाकत, बहुत से और भी होंगे जो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे होंगे, वो मायूस हो जाते हैं जब उन्हें कामयाबी हासिल नहीं होती, और कामयाबी से पहले हार तो देखनी पड़ती है, बिल्कुल, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? फिर से सबसे गुजारिश है, जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दी में हो सकता है आप एक मंजिल तक पहुंच जाएं, मगर वहां पर ज़्यादा देर टिके नहीं रहेंगे। आपको अपनी हार का मज़ा लेना है, आप कुछ ऐसा करोगे आपकी हार के चर्चे हों, ना कि जो जीता है उसके चर्चे हों। तो मुझे ये लगता है कि मेहनत दिन रात करनी है, नींद को भूल जाना है, अपना हालात को भूल जाना है, किस एरिया से बिलोंग करता हूँ वो भूल जाना है, कौन से हालात है, मेहनत करनी है, और मेहनत ही हर चीज़ की कुंजी है। मेहनत एक और सवाल जी, जैसे मैंने पहले कहा कि हर बार कामयाबी नसीब नहीं होती, क्या लियाकत को भी नाकामयाब होना पड़ा इस फील्ड की बात करें? बहुत बार हुआ हूँ, अभी भी हो रहा हूँ, और मुझे खुशी है, क्योंकि नाकामयाब वही होता है जिसमें दम होता है। एक और गाना हो ये जाए, मेरा पहला गाना जो सबसे पहले मैंने रिलीज किया था, बड़ा मीठा सा गाना है। अखियां दे सामने तू रह सजना, मुँह पावे कुछ ना तू कह सजना, वेख तेन चुक जांदी मेरी भुख वे, दुख तेरे सारे लैने सह सजना,
तेरे नाल रहना मैं तां कुछ भी नहीं कहना, मंगदी नहीं सोना चांदी मंगदी नहीं गहना, भुल जा मैं तेनूं इह किवें हो सकदा, दर्द जुदाइयां वाला मैं नहीं सहना, तेनूं वेख वेख मेरे साथ चलने, वेख वेख तेनूं मैं नहीं रजना, अखियां दे सामने तू रह सजना, मुँह भावें कुछ ना तू कह सजना। लियाकत, बॉर्डर एरिया के आप रहने वाले हैं और बहुत से जवान इस वक्त बॉर्डर पर हैं जो अपने घर से दूर हैं, उनकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं, पूरी दुनिया सोती है, और आप बिल्कुल सीमा पर हैं। आपको ज़्यादा पता होगा कि वो जवान किस हालत में रहते हैं, अपने घर से दूर, अपने परिवार से दूर रहते हैं। उनके लिए अगर कुछ आप गुनगुना दें। अरे ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्त तुमको सलाम दे, मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे। लियाकत, सबसे पसंदीदा जो सिंगर है वो आपका कौन है? मैं नुसरत साहब मेरे उस्ताद, और वो सारी दुनिया के उस्ताद हैं, मैं उनको पसंद करता हूँ। वैसे अभी मैं जिनको जो अभी हमारे इस दुनिया में हैं, गैरी संधू जी हैं, हमारे करण ओजला जी हैं, खान साहब हैं, जी खान हैं, मैं उनको नुसरत नुसरत साहब का गाया हुआ कोई गाना, क्योंकि आपने कहा कि वो आपके उस्ताद हैं, सब कुछ हैं, उनका गाया हुआ गाना जो आप बेहद ज़्यादा पसंद करते हैं और बार बार आप उस गाने को गुनगुनाते हैं। मैं आपको इसकी कुछ ज़्यादा लाइनें नहीं सुनाऊंगा, मैं आपके साथ कुछ दो लाइनें इसकी साझी करूँगा। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। लियाकत, मैसेज क्या देना चाहेंगे बाकी जनता को? लियाकत, किस तरह से जनता आपकी सपोर्ट करे? सबसे गुजारिश है और इल्तिजा है कि सब आर्टिस्ट को सपोर्ट करो, जो भी नया टैलेंट है सबको टैलेंट को सपोर्ट करो, और मुझे भी सपोर्ट करो, मेरे गानों को सुनो, यूट्यूब पे जाओ, बेटर बॉन्ड रिकॉर्ड सर्च करो और मेरे गानों को सुनो और प्यार दो, आपसे यही गुजारिश है और कुछ नहीं। लियाकत, अब हमारे लिए क्या गाएंगे आप? मेरे लिए कौन सा गाना जो है वो आप गाएंगे अपनी आवाज़ में जो मुझे पसंद आ जाए? ये मेरा अनरिलीज गाना है, पर फिर भी कोई बात नहीं, मैं भाई के लिए बोल देता हूँ दो चार लाइनें। आप ही खाके कसमा हुन तू भुल गया है, आप ही खाके कसमा हुन तू भुल गया है, वे तू जिस मादा बपारी जा हुसना ते डुल गया है। इसकी जो हुक लाइन है वो ऐसी है, मैं सब जान दिया पर कह नहीं होना, दर्द जुदाइयां वाला यारा सह नहीं होना, दूर तेरे तू हो के अली मर जाना है, मैं मर के भी ते यारा तेनू पा नहीं होना। लियाकत, पुंछ के आप रहने वाले हैं? जी जी। पहाड़ी लोग आपके पहाड़ी गाने को मिस कर रहे होंगे, एक जो पहाड़ी गाना अगर आप गुनगुना दें। हो छल्ला मेंढा जी डोला, हो दो पत्र अनारा दे, हो सड़ गई है जिंदड़ी मेरी टेर लग गए अंगारा दे, ओ छल्ला मेंढा जी डोला, ओ चिट्टी लकड़ सफा कीती,
ओ कब्र ते लिख मरसा नहीं ओ डोल वफा कीती। यागत बहुत बहुत शुक्रिया और फिर कभी आपसे मुलाकात हम ज़रूर करेंगे। फिलहाल आपको गाने के लिए मुबारक और भविष्य के लिए आपको हमारी ओर से लाइव वायर की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये थे लियाकत मन्हास जो कि मेंढर की बात करें तो वहाँ के रहने वाले हैं, जिला पुंछ के रहने वाले हैं और एक खूबसूरत आवाज़ इनकी है। इन्हें आप सपोर्ट करें, युवाओं से इनका मैसेज है कि हार कई बार होती है लेकिन जीत आपको हार के बाद ही नसीब होती है, मेहनत करना ना छोड़ें। इनकी आवाज़ आपको कैसी लगी, इनके गाए हुए गाने आपको कैसे लगे, फिलहाल इन्हें आप सपोर्ट जो है वो ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है वो ज़रूर रखें। रवि शर्मा, लाइव वायर, जम्मू कश्मीर।